अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिकुल वादिल अमीन। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व असहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे ज़ुलजलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह डेढ़ महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलून नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे, हम अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुसलमान हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती, इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं। ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो हिंदुस्तान में, अमन अमान खराब कर रहे हो, इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूं, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको आप पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता, तो इस फकीर कादरी ने उसको मोबाइले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा सामने, आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन यह भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों के पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो, उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जाकर के अब वो मेरे जवाब में कहता है, मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं, इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाई में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर, एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है, आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना क्या ऐसी परमिशन यहां मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना,
मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है, और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है, इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजो, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी, मैं फिर से कहता हूं जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहले के लिए नहीं आ सकता, मुबाहला बहुत दूर की बात है, मुबाहला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, यह बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि यह इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने, ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले, जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुलजलाल की, कसम रब्बे जुलजलाल की, जितने बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं वहीं पर अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो, और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है, तुम क्या समझ रहे हो गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं, ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं, तारीख पढ़ लेना पता चलेगा तुम्हें मुबाहला कहते किसे हैं। अजीजाने गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे, फिर भी मैं कहता हूं ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भौंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला, वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं, ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं, और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हारने के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियाने इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ए मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया, और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते हैं, आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब, कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया। मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे, मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए, उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों इस्लाम की फतह हो चुकी है, समझ जाना। मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम, ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई, यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना निगल उगल रहा है, और कोई कुछ नहीं करता इसको, पूछता तक नहीं इसको, और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान
कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप? आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है, ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना, हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भोंकने से रोको, नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते, ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए है मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी, इसलिए कि ये नबी का गद्दार है। रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका, तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौम अल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है, इतना तू ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, आप, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है, हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया, मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है, धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल ये मेरी आखिरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इश्यू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे, ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा, साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया, और अगर नहीं साबित कर सका, तो फिर याद रख लेना सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा, सुबह कयामत तक तुम्हें पहचाना जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार, ये मोबाइले की बात चलती रहेगी और मेरी ये चुनौती बरकरार रहेगी। वो कहता है मैदान छोड़ करके भाग रहा है, तू क्या समझता है कि तेरे जैसे पाखंडी है यहां पर? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, अगरचे आल में ना हो लेकिन हुसैनी किरदार हमने बचपन से सुना है। अरे हमारी माओ ने हमें गोद में हुसैन आजम के करबला की दास्तानें सुनाई। हम मात नहीं खा सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते इंशाअल्लाह अजीज। ऐ मुसलमानों, अपने जज्बों को बेदार रखो। कोई ये कहता है अगर कि ये जज्बात को भड़का रहे हैं, उससे सिर्फ ये कह देना जज्बात का नाम ही जिंदगी है। अब अगर नबी के नाम पर जज्बात नहीं बेदार हुए तो इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सो जाओ। आप याद रख लेना, ये हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, तुम वैसे भी मारना चाहते हो ना, हम आ जाते हैं, बाहर घुट घुट करके मरने से बेहतर है कि हम नामे मुस्तफा पर निकल करके मौत का, मौत को कबूल करने को हम तैयार हैं। यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना,
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत का परचम बुलंद करके जाएंगे इंशाअल्लाह। सारी खानकाहें, सारे उलमा, सारे मदारी, सारी तहरीकें, सारी तंजीमें, सबसे मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं, अब वक्त किसी के घर का नहीं, किसी की सज्जादगी का नहीं, किसी की प्रॉपर्टी का नहीं, बल्कि तुम्हारे जाने ईमान का सवाल आ चुका है, तुम्हारे ईमान की जान रसूलुल्लाह का सवाल है। लिहाजा आप सब एक साथ मिलकर के आवाज उठाएंगे, या तो फिर इस पाखंड को रोकेंगे या तो फिर हम इस जमीन पर बाकी नहीं रहेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।